Hi everyone, welcome back to my channel Easy Way to Learn English. Today we will play a game. Let me tell you the game. What the game is? The game is first I will take a bigger one word, and then we will find smaller words out of the given word, out of the bigger one word. तो जैसे कि आई एम राइटिंग वन सेंटेंस वन वर्ड बिगर वन वर्ड जो कि अच्छा खासा बड़ा है दैट इज नॉलेज KNOWLEDGE. अब हमें क्या करना है वी हैव टू फाइंड आउट सम स्मॉलर वर्ड्स आउट ऑफ इट रैंडम नॉट रैंडमली हमें लेने हैं इन ऑर्डर ऑर्डरली लेने हैं जैसे कि हमारी जो सीक्वेंस है वो टूटनी नहीं चाहिए लेटर्स की We will not take letters. We will find out only words in sequence. जैसे कि no. First word is no. N-O. ऐसा नहीं करना है कि कुछ यहाँ से ले लिया कुछ यहाँ से ले लिया ठीक है Order भी ना टूटे और words भी निकल जाए यहाँ से तो no हो गया Second word हम ले लेते हैं N-O-W. Now. अगर आपको मिल रहे हैं तो आप भी बनाइए Take a pencil and pen and find out the words. बनाइए इस तरह से मेरे साथ साथ कि आप मुझसे ज़्यादा बनाएंगे या मैं ज़्यादा बनाऊंगी Now and one more is lead. L-E-D lead. ठीक है और हम बना सकते हैं owl. O-W-L. O-W-L. बना रहे हैं ना अभी मेरे साथ साथ O-W-L owl हो गया और क्या हो सकता है और हो सकता है K-N-O-W no. K-N-O-W, no. और मीनिंगफुल वर्ड्स होने चाहिए ऐसा नहीं कि कुछ भी वर्ड बना दो और उसका मीनिंग ही ना हो एंड और हम ले सकते हैं एज E-D-G-E, एज एज का मतलब होता है सरफेस बाउंड्री ऑफ अ सरफेस किसी भी सरफेस की कोई बाउंड्री होती है इट इज कॉल्ड एज और बताइए क्या ले सकते हैं नो हो गया है लेड हो गया है आउल भी हो गया है नो भी हो गया है आई थिंक दिस इज इनफ तो हाउ डिड यू फाइंड द गेम आई थिंक इट्स गुड इंटरेस्टिंग है ना नाउ आई हैव रिटन हेयर वन मोर वर्ड मल्टीप्लीकेशन एंड वी विल फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम इट तो लेते हैं वर्ड्स इसमें से निकालते हैं तो आप भी मेरे साथ साथ फाइंड आउट कीजिए फर्स्ट वर्ड इज मल्टी मल्टी मीन्स मैनी टाइप्स जैसे कहते हैं मल्टी टास्कर ही इज अ मल्टी टास्कर वो तो बहुत सारे काम एक साथ कर लेता है मल्टी टास्कर है तो मल्टी तो वन वर्ड इज मल्टी एंड टिप टिप टी आई पी टिप टिप दिस इज टिप किसी चीज की जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड टिप तो सेकेंड वर्ड इज टिप Now let's find some more words. Cat, C-A-T, cat, C-A-T, cat. And at, one more word is there, at. At. And iron, I-O-N, iron. This is chemistry word. Chemistry में मिलेगा आपको ये word iron, plus iron and minus iron, like this iron, this one iron. And own. Next word is own. And we can take out of it tip done. I think no word is there now. Okay, you find out the words and send it to me through the comment section. Now one more word I am taking here something so let's find out the words so one word I found so and me and some also some और बताइए आप ही find out कर लें ये बस मैं तो लिख रही हूँ and thing T-H-I-N-G thing T-H-I-N-G thing And thin, T-H-I-N, T-H-I-N, thin. And
और बताइए, मेट, एम ई टी मेट, दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ मीट, मीट मेट मेट। और बताइए और हो सकता है क्या, नाउ थिन थिंग इन इन, ओके यस इन इन इज ऑल्सो देयर, एंड हम ओम भी ले सकते हैं, ओम इज ऑल्सो अ वर्ड, ओम अ ब्यूटिफुल वर्ड, ओम। और ले सकते हैं हम सो मी सम, सम डन यस, थिंग डन थिन डन मैट डन। तो हाउ वाज द गेम, आई थिंक इट्स गुड, और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप और भी गेम चाहते हैं इस तरह के, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल बी बैक विद सम मोर गेम्स एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। नाउ वी विल सी द प्रोवर्ब ऑफ टूडे। बिफोर गिविंग यू द प्रोवर्ब, आई वॉन्ट टू गिव यू होमवर्क, एंड द होमवर्क इज आई विल गिव यू वन वर्ड एंड यू हैव टू टेक सम स्मॉलर वर्ड्स फ्रॉम आउट ऑफ दैट वर्ड। तो द वर्ड इज एवरीवेयर, EVERY, everywhere. Now you have to find many smaller words out of this word. ठीक है, so this is everywhere. And one more word I am giving you, that is important. Important. You need to write down it. Important. Everywhere and important. यू नो कि क्या करना है ना, आपको पता है, आपको इसमें से वर्ड्स निकालने हैं, फाइंड आउट करने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताए हैं, एंड यू सेड इट टू मी थ्रू कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स सी द प्रोवर्ब। द प्रोवर्ब इज कट ऑन थ्रोट, मीन्स अपना ही गला काट देना, गला नहीं काटना, मीन्स प्रोवर्ब का मीनिंग है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। बहुत से लोग कर देते हैं कि काम ख़राब कर लेते हैं और फिर मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, कोई शॉपकीपर है, अपने शॉप में जो आइटम्स हैं, जो उसके जो गुड्स हैं, उनके रेट बढ़ा देते हैं कि हम थोड़ा महंगा करके बेचेंगे, लेकिन जब वो नहीं बिकती हैं, उनका मार्केट डाउन हो जाता है और उन्होंने रेट इंक्रीज़ कर रखे हैं, तो इसका मतलब होता है कि उन्होंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। तो इन दिस सेंस वी कैन से कट ऑन थ्रोट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक यू हैव एंजॉयड दिस गेम, एंड आई विल बी बैक सून विद सम न्यू कॉन्टेंट, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन इट येट। बाय।